ये एक क्राइम एक्शन सीरीज है जिसमें स्टोरी दो जुड़वा भाई की होती है, एक करण और एक अर्जुन, जो कि एक अनाथ आश्रम में पढ़े बड़े होते हैं, जिसमें से करण को कोई गोद ले लेता है और वो बड़ा होकर एक पुलिस अफसर बनता है। और उसकी एक बीवी है जो उसके भी सीनियर है, दोनों पुलिस अफसर है और दोनों की एक बेटी है। और दूसरा अर्जुन जो कि एक चोर है। एक दिन अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर एक अमीर आदमी को फंसाते और उसका माल लूटने की कोशिश करते, लेकिन उस अमीर आदमी को पैनिक अटैक आता है और दोनों घबरा जाते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर स्टाफ वाले वहाँ आ जाते हैं, लेकिन दोनों पिछली खिड़की से निकल जाते हैं। उसी होटल में कोई एक आदमी एक जर्नलिस्ट को मारता है और वो अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड देख लेते हैं। अर्जुन उस आदमी के पास बचाने जाता है, लेकिन जर्नलिस्ट मर जाता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ वहाँ जेल में एक डेंजरस क्रिमिनल अपना काला धंधा चला रहा होता है। उसको करण के कारण बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, इसलिए वो करण को मारने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ अर्जुन की फटी पड़ी हुई थी उस जर्नलिस्ट के मर जाने की वजह से, इसलिए वो हेल्प मांगने के लिए करण का पीछा करता है। जहाँ ट्रैप बनाया था वहाँ करण और अर्जुन दोनों मिलते हैं, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे लोग आते हैं और फिर एक्शन ही एक्शन होते हैं। फिर दोनों वहाँ से भागते हैं, लेकिन दोनों को गोली लग जाती है जिसमें से करण की जान चली जाती है, लेकिन किसी को वो पता नहीं होता। अर्जुन करण की जगह लेकर उसके घर जाता है, लेकिन उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा होता, इसलिए वो एक चिट्ठी में जो सब हुआ उसका सच चिट्ठी पर लिख कर रात को निकल जाता है कहीं और जाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो जर्नलिस्ट मारा था उसका एक दोस्त होता है, वो भी पुलिस में होता है और उसे लीड मिलती है। अर्जुन को ढूंढते समय उसे करण के बारे में पता चलता है और वो उसे मिलने करण के घर जाने वाला होता है। क्या अर्जुन यानी कि करण की जगह ली है, ये वो दूसरी जगह जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उस पर कुछ गुंडे लोग अटैक करते हैं और वो सबको निपटा कर वहाँ से भागता है। लेकिन वो वहाँ जाने वाला होता है तभी उसे गुंडे के बोले हुए शब्द याद आता है, कसबन भाई ने मरवाया था। ये याद करके वो वापस घर चला जाता है, लेकिन करण की बीवी वो चिट्ठी खोलने ही वाली होती है, तभी करण वहाँ पहुँच जाता है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वह रात के 12 बजे एक बेल बजती है और वहाँ जो जर्नलिस्ट मरा था उसका दोस्त पुलिस वाला दरवाजे पे खड़ा होता है और एपिसोड यहाँ एंड होता है।